बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने सम्मान में रखे। आज मैं अपना डबल लेयर पकौड़ा, उसके लिए सबसे पहले मैं बैटर रेडी करूँगी। 4 चम्मच मैंने लिया बेसन और 4 चम्मच मैंने लिया मैदा, वो मैंने बॉल में डाल लिया। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कटा हुआ पुदीना, 1 चम्मच कटा हुआ धनिया, स्पाइसी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन, ये सारी स्पाइसेस डालूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस और इसका बैटर रेडी करूँगी। रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही मज़े की डबल लेयर पकौड़ा बनेंगे। आप देख सकते हैं चटनी में मैं लगाऊँ, चटनी में मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स, 2 टेबल स्पून और इसका आप देखिए कितनी ये थिक हो जाएगी। और फिर जो मैंने आलू बॉईल किए हुए थे हाफ बॉईल और उनको स्लाइसेस में काट लिया था, उनके ऊपर इसकी लेयर लगाऊंगी। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से डबल लेयर पकौड़ा बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू आप देख सकते हैं मैंने किस साइज़ के लिए मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no. माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू के ऊपर चटनी के लिए लगा दी है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी, जो मैंने बेसन बनाया है उसमें डीप करके। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा है। अब मैं बेसन में डीप करूंगी आलू को और फिर फ्राई करूँगी। बहुत ही आराम से हमने इसको फ्राई करना है, आप देख सकते हैं। 2 स्पून मैंने लिया है, 1 स्पून की मदद से मैं दूसरे स्पून से इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जो मैं वीडियो एडिटर यूज़ करती हूँ, जो सॉन्ग यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसे हमारे पकौड़े फूल रहे हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और आपको सारे बना के इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं डबल लेयर पकौड़ा कितने ही मज़े के क्रिस्पी फूले फूले रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक काट के भी बताऊंगी, इसकी कटिंग करके कि अंदर से कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं चटनी की लेयर अलहदा नज़र आ रही है। बहुत ही मज़े के पकौड़े हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।